हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब हमारे वीडियोस रेगुलर आएंगे और जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको भोजपुरी फिल्म बॉस के 6 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। दोस्तों ये फिल्म रिलीज हुई है दिल्ली, गुजरात, यूपी और मुंबई के करीब 42 थिएटर्स में। तो बात करने वाले इसी फिल्म के बारे में। फिल्म में लीड रोल में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, फीमेल लीड है आरसी और नेगेटिव रोल प्ले किया है महेश मांजरेकर जी ने। दोस्तों महेश मांजरेकर जी की ये पहली भोजपुरी फिल्म है, काफ़ी शानदार है और ये उस फिल्म में नेगेटिव रोल में है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है प्रेम राय जी ने, फिल्म को डायरेक्ट किया है अरविंद चौबे जी। अरविंद चौबे जी पवन सिंह के साथ काफ़ी फिल्में बना चुके हैं, जैसे उनकी इससे पहले फिल्म आई थी हुकूमत, काफ़ी अच्छी फिल्म थी। फिल्म की स्टोरी पुरानी थी लेकिन फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई थी। फिल्म के गाने ऑलमोस्ट सुपर हिट हुए थे। तो बात करते हैं इसी फिल्म के बारे में। फिल्म को लिखा है वीरू ठाकुर जी ने, फिल्म का बैनर है श्रेयास फिल्म्स और फिल्म का म्यूज़िक दिया है एंटरटेन म्यूज़िक भोजपुरी ने। दोस्तों बात करते हैं इसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों अगले वीडियो में यानी कल मैं विवाह 2 का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपलोड करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों भोजपुरी फिल्म बॉस ने अपने डे वन पे कमाई की थी 31 लाख रुपये की और फिल्म ने 6 दिनों में कमाई की भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे 1.42 करोड़ रुपये। फिल्म का बजट है 2.5 करोड़ रुपए और ये फिल्म कितनी कमाई करेगी अगर ये बिहार में और झारखंड में रिलीज होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं बॉस के नेक्स्ट डे के वीडियो के साथ में और विवाह के 2 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए बने रहिए, देखते रहिए एंटरटेनमेंट फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।